आज चलिए चलते हैं और उसको अनबॉक्सिंग करते हैं पहले। ये डिस्प्ले मेरे को काफी इम्प्रेसिव लगा दोस्तों। हो रहा ड्रोन और मैं अभी इसको ऑन करूंगा। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ पैरेलल मोड, तो ये वाला मोड मेरा फेवरेट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिव ब्यूटीफुल लाइफ। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम लोगों का वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब था बीच में, और फिर वेदर भी ठीक नहीं था तो हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और फिर चलिए आज और एक नए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है दोस्तों, हमने एक नया ड्रोन लिया हुआ है। आप लोग मेरे पिछले वीडियो में भी ड्रोन के बहुत सारे वीडियो क्लिप्स देखे होंगे, तो आज चलिए चलते हैं और उसको अनबॉक्सिंग करते हैं पहले, और फिर अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको फिर दिखाते हैं कि उसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या उसमें फीचर्स है। पहले ड्रोन का अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर आके यहाँ पे मिलते हैं। तो जल्दी से ड्रोन को अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैंने जो मॉडल लिया था DJI Mini 3 Pro विथ RC एंड प्लाईमोर किट बंडल, तो इसका बेस्ट बाय से मैंने लिया था। तो इसका विदाउट RC भी एक मॉडल आता है, और अगर आप विदाउट RC ले रहे हो तो उसमें रिमोट कंट्रोल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने फ्लाईमोर किट बंडल लिया हुआ था तो मेरे को ये बैग मिला, और ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बैग है दोस्तों। और ये आप ड्रोन अगर कहीं लेके जा रहे हो तो ये बैग काफ़ी हैंडी होता है। और उसके बाद इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे मेरे को कुछ कुछ बुकलेट्स मिला, तो इसको रख देते हैं साइड पे, फिर उसको देखते हैं। इसके अंदर एक बैटरी हब है, तो इसको ओपन करते हैं बैटरी हब को, तो इसके अंदर मेरे को दो बैटरी मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बैटरी है, और एक बैटरी ड्रोन पे होगा तो टोटल 3 बैटरी आपको मिलेगा। और यहाँ पे 3 LED इंडिकेटर है, यहाँ पे एक USB सॉकेट और Type-C सॉकेट आपको मिल जाएगा। तो एक एक बैटरी से आपको 30 मिनट्स का फ्लाई टाइम मिल जाएगा। चलिए फिर देखते हैं बैग के अंदर और क्या क्या है। यहाँ पे बैग के अंदर मेरे को कुछ कुछ प्रोपेलर्स मिला, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, और एक USB केबल है। और क्या है देखते हैं, यहाँ पे एक चेन दिया हुआ है, और ये अच्छा खासा एक स्ट्रैप है। काफ़ी स्पेसियस है दोस्तों, और इसके अंदर सब कुछ रह जाएगा, ड्रोन, बैटरी, चार्जर, सब कुछ रह जाएगा इसके अंदर। अभी ड्रोन का अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो। DJI RC कंट्रोलर को खोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये रहा DJI RC कंट्रोलर, और यहाँ पे ये डिस्प्ले आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ड्रोन कनेक्ट करते टाइम आपको कोई भी मोबाइल डिवाइस यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इसमें ही सब कुछ हो जाएगा कंट्रोल। और ये डिस्प्ले मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको एक USB सॉकेट मिल जाएगा। फाइनली जल्दी से ड्रोन का अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। ये रहा ड्रोन,
और इसमें आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और मुझे तो फर्स्ट लुक में बहुत ही अच्छा लगा। ये ऊपर इसका सेंसर है और पीछे यहाँ पे ये ऑन बटन है। यहाँ पे ड्रोन में देख सकते हो आप, आगे दो सेंसर हैं और चार प्रोपेलर्स हैं, और ये पीछे की तरफ यहाँ पे आप अपना मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आगे दो सेंसर हैं, और ये रहा ड्रोन का कैमरा। यहाँ पे आरसी कंट्रोलर का डिस्प्ले देखें तो काफ़ी ब्राइट है दोस्तों, और यहाँ पे एक डेमो यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या है इसमें। और इसको जल्दी से ऑन करते हैं और ऑन करके फिर आपको फिर दिखाते हैं। सकते हैं ये है ड्रोन का बैग, और ये ड्रोन के साथ ही मिला था क्योंकि मैंने कॉम्बो पैक लिया था, तो ये बैग ड्रोन के साथ मिला था। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये है ड्रोन, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो है ये बैटरी हब है, तो इसमें तीन बैटरी आते हैं, और इसको ऐसे आप निकाल सकते हो और उसके बाद ड्रोन के अंदर लगा सकते हो। तो वो मैं लगा के फिर दिखाऊंगा आपको, और यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर दिख जाएगा क्योंकि ये दोनों फुल्ली चार्ज है, तो ये सारा जो एलईडी दिख रहा है ये चारों एलईडी ऑन है अभी, और एक बैटरी लगा है ड्रोन के अंदर, तो इसमें तीन बैटरी मिलता है। उसके बाद ये जो है ये डीजे आरसी कंट्रोलर है, और ये वाला जो कंट्रोलर है ये इसको बोलते हैं आरसी कंट्रोलर, और इसमें ये नीचे आपको जॉयस्टिक मिल जाएगा, ये वाला जो है ये जॉयस्टिक है, इसको ऐसे लगाना है। ठीक है, फिर जॉयस्टिक हो गया, और फिर बैग के अंदर देखते हैं और क्या क्या है बैग के अंदर। और यहाँ पे एक चैन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ केबल्स दिया है, ये वाला कुछ केबल्स है। तो ठीक है, फिर ड्रोन को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे ड्रोन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। दोस्तों ड्रोन को स्टार्ट करने से पहले डीजे कंट्रोलर को स्टार्ट करना होगा। ये वाला जो बटन है ये वाला स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए है, और यहाँ पे ये वाला जो बटन है ये वाला है आपका सिनेमेटिक मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड CNS, और ये वाला जो बटन है ये रिटर्न टू होम बटन है, तो इसको प्रेस करने से ड्रोन अगर जहाँ पे भी होगा ये यहाँ पे होम लोकेशन में आ जाएगा। और ये वाला जो है ये जॉयस्टिक है, इसको आप ऐसे ऐसे मूव कर सकते हो जब ड्रोन होवर होगा स्काई पे। और यहाँ पे दो अलग टाइप के बटन दिए हुए हैं, मैनुअल बटन है, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों अभी ड्रोन को ऑन करते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ पे दो बार प्रेस करना होगा, एक सिंगल प्रेस और फिर एक लॉन्ग प्रेस। तो मेरा आरसी कंट्रोलर अभी स्टार्ट हो गया दोस्तों, अभी ड्रोन को स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों ड्रोन के बारे में कुछ बोल देता हूँ मैं। ये वाला जो है ये प्रोपेलर गार्ड है, ड्रोन का जो प्रोपेलर गार्ड, और ये मैंने अमेजोन से लिया था अलग से, ये ड्रोन के साथ नहीं दिया था। और मेरा पिछला वाला जो ड्रोन था उसके साथ प्रोपेलर गार्ड भी दिया था, लेकिन इसके साथ नहीं दिया था। तो अभी मैं इसको, फ्रंट में एक गार्ड है इसको मैं खोलता हूँ, और ये वाला जो है ये गिम्बल गार्ड है। तो अभी इसको ऐसे करके खोलते हैं। तो मेरा ड्रोन अभी खुल गया है। ये वाला जो है ये ड्रोन का कैमरा है और गिम्बल है। यहाँ पे आप देख सकते हो F1.7 E24, और ये आगे का दो सेंसर है, और ये पीछे भी नीचे की तरफ दो सेंसर है, और ये है बैटरी। तो बैटरी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इसको। अभी एक नया वाला बैटरी इसमें डालेंगे। तो हो गया अभी रेडी। तो चलिए फिर इसको ऑन करते हैं। तो ड्रोन को ऑन करने के लिए मेरे को यहाँ पे दो बार प्रेस करना होगा, एक बार फिर दूसरा बार। और अभी ये ड्रोन ऑन हो गया, और इस टाइप का एक साउंड आएगा ऑन होने के बाद। फिर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हो रहा ड्रोन, और मैं अभी इसको ऑन करूँगा RC कंट्रोलर से। और आप जो देख रहे हो ये वाला जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, वो ड्रोन का कैमरा से डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए चलते हैं फिर, ड्रोन को उड़ाते हैं। अभी ड्रोन को उड़ाने के लिए पहले मेरे को यहाँ पे ये वाला जो बटन है इसको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे एक टेक ऑफ बटन आएगा, तो इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ड्रोन अभी उड़ने लगेगा। अभी आप देख सकते हो ड्रोन मेरा उड़ रहा है। अभी चारों एंगल से आपको दिखाता हूँ। और फिर लैंडिंग हो गया। तो फ्रेंड्स अभी ड्रोन होवर कर रहा है ऊपर, तो मैं अभी इसको ऊपर लेता हूँ। ये वाला जो बटन है ये वाला उसको ऊपर लेके जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर इसको नीचे ले आता हूँ। और ये वाला जो बटन है इससे आगे जाएगा ड्रोन। तो कुछ कुछ ड्रोन का फंक्शनैलिटी पे आते हैं दोस्तों। अभी मैं इसको नीचे लैंड करा देता हूँ, फिर इसका फंक्शनैलिटी बताता हूँ आपको। अब नीचे लैंड करने के लिए मेरे को ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। अभी फंक्शनैलिटी पे आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये वाला बटन दिख जाएगा, यहाँ पे सेफ्टी कंट्रोल कैमरा ट्रांसमिशन अबाउट। तो आप कंट्रोल पे जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा यूनिट में आपको चाहिए, मेट्रिक किलोमीटर मतलब मीटर किलोमीटर, इसी हिसाब से आपको दिख जाएगा। फिर इसके बाद आपको कैमरा में आपको दिख जाएगा यहाँ पे MP4 फॉर्मेट में है ये कॉलर, नॉर्मल DCN लाइक। फिर कोडिंग फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट में रखना है आपको। फिर यहाँ पे ग्रिड कैसा दिखेगा आपको उस टाइप का यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हो,
यहाँ पे अभी एसडी कार्ड कुछ लगा नहीं है, इसलिए नो एसडी कार्ड दिखा रहा है। यहाँ पे एसडी कार्ड लगाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। फिर यहाँ पे ये ट्रांसमिशन मोड है, ट्रांसमिशन मोड आप 2.4 GHz, 5.8 GHz किसी में भी आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ड्रोन के बारे में बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम अल्टीट्यूड में आपको कितना मैक्सिमम अल्टीट्यूड रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 120 मीटर है अभी, तो ऊपर जाएगा तो 120 मीटर तक ही ऊपर जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे 2 किलोमीटर है, 2000 मीटर के आसपास, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस 2000 मीटर या फिर 2 किलोमीटर के आसपास ही जाएगा, उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जाएगा। तो और यहाँ पे बैटरी इन्फो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे वीडियो फीचर्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा वीडियो फीचर्स है, जैसे मास्टर शॉट्स, तो वो अगर जब ड्रोन होवर करेगा तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्विक शॉट्स है, यहाँ पे हाइपर लैप्स है, तो बहुत सारा मोड्स है दोस्तों। तो फिर ये सारा मोड्स आपको फिर दिखाते हैं, मैं एक्चुअल वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी ड्रोन के फीचर्स के बारे में आते हैं। तो अभी इस ड्रोन में तो बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों, इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने में और एक वीडियो लग जाएगा। तो अभी कुछ कुछ ऐसा फीचर्स है जो कि बहुत ही खास है, तो वो वाले फीचर्स में मैं आता हूँ। तो इसका पहला फीचर्स है एक्टिव ट्रैकिंग मोड। तो चार टाइप का एक्टिव ट्रैकिंग मोड रहता है, जैसे ट्रेस मोड, पैरेलल मोड, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पॉटलाइट मोड। तो मैं आपको दो टाइप का डेमो यहाँ पे दिखाऊंगा। पहला वाला है ट्रेस मोड। तो अंकिता को मैं पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट लेके अभी ट्रेस मोड ऑन कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हो ड्रोन उसके पीछे पीछे ही जा रहा है। वो जहाँ जा रही है ड्रोन उसके पीछे पीछे जा रहा है, और आप देख सकते हो ये पूरा सारा वीडियो ड्रोन ही ले रहा है। मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है। ये मोड अगर आप ऑन कर रहे हो तो ध्यान में रखना है कि आसपास कोई ट्रीज या फिर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ पैरेलल मोड। तो ये वाला मोड मेरा फेवरेट है। तो आप ड्रोन को पैरेलल मोड में ऑन करके आप ऐसे चल के जा सकते हो, और ड्रोन आपको पैरेलली फॉलो करते करते जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पैरेलल मोड ऑन कर दिया हूँ, और ड्रोन अपने आप ही जा रहा है, और मेरे को ही ऑब्जेक्ट लेके ड्रोन मेरे को पैरेलली फॉलो करते करते जा रहा है। दोस्तों ये वाले मोड पे ड्रोन पैरेलली जाता है, तो इसलिए ये मोड ऑन करने से पहले ध्यान में रखिएगा कि आसपास कोई भी पेड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। इस ड्रोन का और एक अच्छा फीचर्स है मास्टर शॉट्स। और मास्टर शॉट्स के अंदर बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे कि ड्रोनिंग, सर्किल, रॉकेट, जूमिंग इन, जूमिंग आउट। तो ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ ये सर्किल है। तो यहाँ पे मैं खुद को पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट लेके अभी ड्रोन को सर्किल मोड में ऑन कर दिया हूँ, तो ये मेरे चारों तरफ घूम के एक वीडियो शॉट लेगा। और यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, आसपास कोई भी पेड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। आई होप कि दोस्तों ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो हमने काफ़ी जगह पे गए थे यहाँ पे यूएस में, तो जहाँ पे भी मैं ड्रोन उड़ाया और कुछ कुछ फुटेज लिया हूँ वो वाला वीडियो आपको दिखा दिया। और ये वाले वीडियो में ड्रोन का अनबॉक्सिंग और ड्रोन का फीचर्स और कैसे ऑन ऑफ करते हैं और कैसे उड़ाते हैं आपको दिखा दिया। तो और आगे मैं और एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन कैसा है और क्या क्या फीचर्स है। तो सारे फीचर्स के बारे में इन डिटेल बताने वाला हूँ। ये ड्रोन मैंने बेस्ट बाय से लिया था, और बेस्ट बाय से इसका प्राइस था करीबन $1200। और इंडिया में इसका प्राइस कितना है मुझे तो पता नहीं, बट यहाँ पे $1200 है। इसका जो कॉम्बो पैक आता है विथ बैग और एक RC कंट्रोलर और कुछ कुछ बैटरी पैक जो होता है उसके साथ आता है, तो उसका सब कुछ मिला के मेरे को 1200 अराउंड पड़ा था। ऐसा कहते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आगे मिलते हैं और एक एक्साइटिंग ब्लॉग में। तो तब तक के लिए टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।